विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या आप अपनी सीट बेटे के लिए भी मांग सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। विधानसभा में सर्वेक्षण करा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और जहाँ जहाँ जीतने वाले लोग हैं उनके नाम भी वो परीक्षण में है। जो उस सीट से जीतता होगा उसका नाम सामने आएगा। सर, जिला बने 3 वर्ष में कई सिविल अधिकारियों को लाइन पे ले रखा है, कुछ जेल में थे, कुछ छूट कराए हैं, किस तरह देखते हैं इस पूरे मामले? ईडी के कार्रवाई के बारे में तो पूरे प्रदेश में, देश में यही हल्ला है कि जहाँ जहाँ विरोधी पक्ष के सरकारें हैं, विरोधी पक्ष के अधिकारीगण हैं, वहीं ही ईडी की कार्रवाई हो रही है। और ईडी किसी दबाव के अंतर्गत काम कर रही है, ये बातें पूरे देश में हैं, और इसका उदाहरण भी अनेक कार्यक्रमों से, अनेक उनके कार्यों से देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, मगर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये संविधान के मूल संरचना के अनुसार जहाँ जहाँ कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ नहीं हो रही है, जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ हो रही है। नक्सली समस्या कांग्रेस को आने के बाद लगभग खत्म हो गई थी, और अभी फिर से नक्सली सिर उठा रहे हैं। नारायणपुर में ताज़ा घटना हुई है, लगातार घटनाएं हो रही हैं, क्या नक्सली फिर से प्रदेश में एक बार सक्रिय हुए? नक्सली कुछ बच गए थे, तो अभी जो नारायणपुर में घटना हुई है उससे ये तो पता लगा है कि फिर से वो सक्रिय हो रहे हैं, मगर इसमें चिंता की बात नहीं है। सरकार पूरी तरीके से जवाबदार ही नहीं, पूरी तरीके से हमारी जवाबदारी लेके बैठे हैं कि आने वाले दिनों में कोई नक्सली ना घटना होगी, बल्कि नक्सलियों को यहाँ से खदेड़ दिया जाएगा और चले जाएंगे। इस बार आपके 2023 में होने वाले चुनाव में पसंदीदा सीट कौन सी रहेगी? क्योंकि सबकी भी अब नया जिला बन गया है, तो आपकी पसंदीदा सीट अब कौन सी होगी? देखिए, मेरी पसंदीदा सीट शक्ति वालों ने ही कहा था कि आप यहाँ से खड़े होइए। शक्ति में मेरा खुद का स्वयं का घर आता है, तो मेरा घर तो पसंदीदा शक्ति ही रहेगा, मगर अभी ये तय नहीं है कि मैं विधानसभा लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा। अभी ये खबरें नहीं, कोरोना काल में 5,000 करोड़ के घोटाले को लेकर एक चिट्ठी लिखी है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने, इसे लेकर भी काफी विवाद चल रहा है। देखिए, कोरोना काल में मैं नहीं कहता कि एक पैसे की बदमाशी नहीं हुई है, मैं कहता हूँ कोरोना काल एक संकट का काल था, वो छत्तीसगढ़ के लिए नहीं पूरे देश के लिए था, पूरे विदेश के लिए था। उस समय इस तरह से आदेश निकले थे कि कुछ भी हो, इतने खाट की व्यवस्था करो, इतने ऑक्सीजन की व्यवस्था करिए, ये वाहन की व्यवस्था करिए। उस समय हो सकता है त्रुटिवश किसी का आदेश जल्दबाजी में हुआ होगा, मगर मैं नहीं मानता कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ। सरकार 2.5 साल में खुद का कांग्रेस का जिला कार्यालय नहीं बना पाई, उसमें फेल हो गई, तो क्या लगता है कि इसका आगे आने वाले चुनाव समय? हाँ, जिला कार्यालय नहीं बन पाई भाई, हम तो यहाँ उद्घाटन करके गए थे, भवन बनने में थोड़ा देखिए। सच बात यह है कि आपको मानना पड़ेगा कि हम लोगों ने, प्रदेश की सरकार ने धान की जो खरीदी की 2500 रुपये में, उसके कारण बहुत सारे धन उसमें लगाए गए, और उस धन की कमी के कारण बहुत सारे ऐसी हमारी योजनाएँ जो धीरे धीरे चली, तो कहीं जहाँ ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ पर ज़्यादा जल्दी बना दिया गया। और ये मैं समझता हूँ कि बिल्डिंग का वर्क, अहाता का काम, इस तरह के कुछ ऐसे काम है जो बाद में भी हो सकते हैं, उनको बाद के लिए रखा गया है, प्राथमिकता के हिसाब से इसमें कार्रवाई हुई है। ये आरक्षण विधेयक जो है वो वापस कर दिया है, आपकी खबरों की पुष्टि करने की कोशिश की है, मुझे अभी तक विधानसभा से ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि वहाँ राज्यपाल जी ने विधेयक को वापस कर दिया है, इसलिए ये अपुष्ट समाचार है। यदि आप विधानसभा